बाबर सबसे आप हंस के मिलते हैं, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी का कल आपका आपके कजाफी स्टेडियम में होम टाउन में मुकाबला है। हम जानना चाह रहे हैं क्योंकि आप दोनों बड़े खिलाड़ी हैं और आपको इस साल आईसीसी प्लेयर क्रिकेटर ऑफ द ईयर मिला है, उनको पिछले साल मिला है। सो ये मुकाबला तो पाकिस्तान जितना मर्जी वर्ल्ड कप जीत ले, शाहीन और बाबर का मुकाबला सिर्फ पीएसएल में नजर आ सकता है। देखिए जब भी शहीन के अगेंस्ट और जब भी मैचेस होते हैं लाहौर के अगेंस्ट, कोशिश होती है कि बेस्ट दिया जाए, और जिस तरह का वो बॉलर है और जिस तरह की वो बॉलिंग कर रहा है, और सबको पता है वन ऑफ द बेस्ट बॉलर है पाकिस्तान का, और डे बाई डे इम्प्रूव कर रहा है, और बिल्कुल अगेंस्ट खेल के काफ़ी चैलेंजिंग भी मिलते हैं, कॉन्फिडेंस भी आता है कि मैं बेस्ट बॉलर को खेल रहा हूँ, और थोड़ा मुश्किल भी होता है, कभी मैं डोमिनेट करता हूँ कभी वो डोमिनेट करता है, यही खूबसूरती है। और पीएसएल की भी ये खूबसूरती है कि हमारे जितने भी बेस्ट प्लेयर हैं, हर एक अपनी जो फ्रेंचाइज के लिए बेस्ट कर रहे हैं, और ये कंपटीशन नज़र आता है आपको ग्राउंड में, ये नहीं कि हम दोस्त हम इकट्ठे रहते हैं, मजाक भी करते हैं, लेकिन कंपटीशन हमारा अंदर लगा रहता है। इवन के रिजवान हो गया, शदाब हो गया, हसन अली, और नमाज से भी होता रहता है, शहीन से, हारिस से, कि लग के खेलना है कि भाई इनसे आउट नहीं होना, क्योंकि जाके फिर एक जगह हमने इकट्ठे होना ही होना पाकिस्तान टीम में, तो फिर थोड़ी सी ना वो लगती है कि यार देखा मैंने ये कर दिया या मैंने ये कर दिया, तो कोशिश ये होती है कि बेस्ट किया जाए और बेस्ट दिखाया जाए। बाबर अब तक जितने भी पीएसएल के मैचेस हुए हैं, अपने अलावा आपको किसकी बैटिंग ने ज्यादा मुतासर किया है, और दूसरा ये कि आपने कोई टीम की क्यादत भी की, पीएसएल की भी टीम की क्यादत कर रहे हैं, दोनों में क्या फर्क नजर आया, कौन सी क्यादत करना ज्यादा चैलेंजिंग लगा आपको? देखें अभी जितनी भी टीमें सबकी बैटिंग डोमिनेट कर रही है, और सब के जो कॉम्बिनेशन है काफ़ी अच्छा, बैटिंग टास्क मैटर करता है यहाँ पे, क्योंकि ड्यू की वजह से थोड़ा सा आपको एज मिल जाता है। देखें हर चीज़ की डिफरेंट होती है, हर फ्रेंचाइज की डिफरेंट प्रेशर होता है, डिफरेंट माइंडसेट होते हैं, क्योंकि आपने डिफरेंट करेक्टर्स को लेके चलना होता है, सब एक जैसे नहीं होते, आपको फॉरनर्स को भी लेके चलना होता है, आपको लोकल को भी लेके चलना होता है, वहाँ में और यहाँ बहुत डिफरेंस है, वहाँ की अपनी एक प्लानिंग होती है, क्योंकि वहाँ पर हम सब एक जैसे होते हैं और हमें पता है कि हमने क्या करना है, क्या हमने अचीव करना है, तो यहाँ पर एक डिफरेंट माइंडसेट होता है, हर एक का डिफरेंट माइंडसेट होता है, लेकिन कोशिश करते हैं कि सबको एक पेज पे लाया जाए, जुड़ के आ जाए, तो जो परफॉर्मेंस बैट से वो दी जाती है। सबकी अच्छी है। अच्छा बाबू, आप क्योंकि कौमी कप्तान भी हैं और हर प्लेयर पे ऑब्वियसली नजर भी रखते होंगे, पीएसएल के कुछ खासकर नौजवान जो है, हो ये ऐसे प्रोमिनेंट हो के इस वक्त सामने आए हैं, तो इन लोगों का फ्यूचर कैसा देख रहे हैं, और समझते हैं कि अब 200 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग करने वाला आसिफ खान का सफर दूर नहीं है पाकिस्तान टीम तक आने का? देखिए मेरे ख्याल से अपॉर्चुनिटी है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी हर यंगस्टर के लिए, मेन थिंग ये है कि जितना वो सीखें अपॉर्चुनिटी को ग्रैप करें, क्योंकि यही प्लेटफॉर्म है कि आप डिफरेंट प्लेयर्स के साथ ड्रेसिंग रूम से करते हैं, आप उनसे बातें करते हैं, आप ड्रेसिंग रूम से कर सकते हैं, उनका माइंड सेट पढ़ सकते हैं, क्या करते हैं वो, क्या सोचते हैं अपनी टीम के साथ जब होते हैं, तो क्या सोचते हैं, उनकी क्या प्लानिंग होती है, तो आप जितना बात करेंगे, जितना सीखेंगे, उतना आपके लिए अच्छा। और बिल्कुल मैं जिस तरह आपने नाम लिया, हारिस है, सैम यूब है, लाहौर सुनहरे के जो यंगस्टर्स हैं, तो उनके लिए अपॉर्चुनिटी है, जितना खेलेंगे उतना पॉलिश होंगे। वैसे तो लाहौर में आए और बिल्कुल क्योंकि यहाँ पर क्रिकेट काफ़ी देर बाद नया सरफेस बन रहा था, तो काफ़ी देर बाद क्रिकेट खेल रहे हैं यहाँ पर, बिल्कुल काफ़ी एक्साइटेड है, और कोशिश यही होगी कि बेस्ट क्रिकेट खेली जाए, जो पीछे गुजर गया उस पर हम कुछ कहने के ना ज़्यादा सोचे थे, जो आने वाली चीज़ें उस पर जो हमारी बेस्ट होगी, जो हमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है उस पर हम काम, और बिल्कुल हर एक प्लेयर की ड्रीम होता है, इंशाल्लाह बेस्ट करेंगे तो इंशाल्लाह जरूर करेंगे।